अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बनाने वाले हैं पेरू की चटनी। आप इसे क्या कहते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोग इसे पेरू कहते हैं, बहुत से लोग इसे अमरूद कहते हैं, बहुत से इसे जाम कहते हैं। तो आप हमें ज़रूर बताइएगा कि आप इस फ्रूट को क्या बोलते हैं। तो चलिए अब हम आपको आगे की रेसिपी बता देते हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ ये सारी चीज़ें ली हैं। तो यहाँ पर है चाट मसाला, ये है सॉल्ट, ये है काला नमक ब्लैक सॉल्ट, यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा लिए हैं, ये है 5 से 7 हरी मिर्चियाँ, हम कोथमीर थोड़ा सा ही लेंगे इसीलिए हमने थोड़ा सा कोथमीर लिए है, यहाँ पे है 2 टेबल स्पून शुगर, यहाँ पे हमने आधा नींबू का रस लिए थे और यहाँ पे हमने एक बड़ा पेरू लिए है। तो सबसे पहले अब हम ये पेरू को चॉप कर लेंगे और हमने दूसरी सारी जो भी चीज़ें लिए हैं वो आप आपके हिसाब से ले सकते हैं। जैसे कि हरी मिर्ची होगी, अगर आप तीखा नहीं खाते हैं तो आप 2-3 ही हरी मिर्ची लीजिएगा, और जैसे चाट मसाला, काला नमक और नमक, ये तीनों आपको देख के डालना है, नहीं तो आपकी चटनी खारी भी हो सकती है। और अगर आपको ज़्यादा खट्टा नहीं पसंद है तो आप नींबू स्किप कर सकते हैं, आप ब्लैक सॉल्ट स्किप कर सकते हैं। तो ये सब आपके टेस्ट के ऊपर है, आप कैसा खाना पसंद करते हैं, तो ये सब आप आपके हिसाब से डालिएगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो पेरू है उसको अच्छे से चॉप कर लेंगे, फिर हम आपको आगे की रेसिपी बताते हैं। यहाँ पे पेरू अच्छे से चॉप हो चुका है, तो अब हम एक बाउल ले लेंगे और हम उसमें ये सारे पेरू डाल देंगे और उसके बाद अब हम इसमें दूसरी सारी चीज़ें डाल देंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून शुगर, थोड़ा सा कोथमीर, आप ज़्यादा कोथमीर नहीं डालिएगा नहीं तो टेस्ट ख़राब हो सकता है, हम कोथमीर सिर्फ कलर के लिए डाल रहे हैं। यहाँ पे हमने 5 हरी मिर्ची डाले हैं, आप अगर तीखा नहीं खाते हैं तो आप कम डालिएगा। यहाँ पे हमने आधा नींबू का रस डाले हैं, आपको खट्टा नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा। यहाँ पे हमने 1 टेबल स्पून ज़ीरा डाले है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यहाँ पे हम 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला डालेंगे, हम यहाँ पे 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट डालेंगे, 1/2 टेबल स्पून हम इसमें ब्लैक सॉल्ट डालेंगे यानी कि काला नमक, आप ये तीनों चीज़ें आपके हिसाब से डाल सकते हैं या फिर आप जब इसे ग्राइंड कर लेंगे तो आप इस टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। अब ये जो सारी चीज़ें हमने मिक्स किए हैं, अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे, आपको पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही बहुत अच्छे से ग्राइंड हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको एकदम फाइन पेस्ट जैसा ग्राइंड करना है बस। यहाँ पे हमारी पेरू की, अमरूद की, जाम की चटनी रेडी है, आप कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और एक बार ये चटनी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। जज़ाकअल्लाह।